Hello friends, how are you? I hope all of you are safe at home. You are most welcome to my channel. Okay, let's start the chapter 11, Gravitation, from class 9. Gravitation, what do you mean by the word gravitation? Earth attracts every object towards its center. If you throw a stone upwards, it will fall down necessarily because Earth is applying the force on this object. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह ऑब्जेक्ट नेसेसरली अर्थ पर आएगा. हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा. क्यों नीचे गिरा? क्योंकि अर्थ खींच रही है इसको. अर्थ क्यों खींच रही है? क्योंकि अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है. तो जो अर्थ फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसे ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. और इस अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट इस अर्थ के सरफेस पर है, सब पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाती है. तो जो फोर्स जो अर्थ खींचती है, अब हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, यही खिंचाव ही, यही अट्रैक्शन बल, अट्रैक्शन फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. जो अर्थ फोर्स लगाती है, अर्थ के लगाने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. जो आप फोर्स लगाते हो वो एक्सटर्नल फोर्स है. जैसे आप किसी पत्थर के टुकड़े को खींच रहे हो, तो कैसे खींच रहे हो? फोर्स लगाकर खींच रहे हो. तो ये आपका मस्कुलर फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये आप फोर्स लगा रहे हैं. जब आप किसी पत्थर के टुकड़े को घसीटते हो, ड्रैग करते हो, तो ड्रैग करते समय में इसके मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है मोशन को, तो फोर्स लगाता है फ्रिक्शनल फोर्स. एक फोर्स लगाता है मोशन को अपोज करने के लिए, तो यह फ्रिक्शनल फोर्स है. जितने भी फोर्स लगते हैं अर्थ के फोर्स के अलावा, ये सभी एक्सटर्नल फोर्स होते हैं. लेकिन जो अर्थ फोर्स लगाती है अपनी तरफ खींचने के लिए, इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स वाज डिस्कवर्ड बाय इट्स साइंटिस्ट बाय सर आइजक न्यूटन. सर आइजक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया था. अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या है? जो अर्थ फोर्स लगाती है, यह फोर्स दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब है कि यह ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है. अब ये दो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन हो सकते हैं? ये दो ऑब्जेक्ट्स अर्थ पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है. दो या दो से अधिक के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम करता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाए या दोनों का मास बढ़ जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा. और दोनों मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस घट जाए, कम हो जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा. मतलब अपोजिट होता है. अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा. जैसे क्लास में टीचर होता है, तो जो क्लास में टीचर पढ़ाता है तो उसके सामने वाला बच्चा कम डिस्टेंस पर होता है, उस पर टीचर का ध्यान ज़्यादा जाता है. तो टीचर और वह स्टूडेंट, आगे का स्टूडेंट, एक दूसरे से बाउंड होते हैं. लेकिन जो स्टूडेंट सबसे लास्ट में होता है उस पर टीचर का ध्यान कम जाता है, तो वो
और टीचर लास्ट का स्टूडेंट और टीचर के बीच में बॉन्डेज कम होता है। वह पीछे वाला टीचर मिस्चीवियस करता है, शैतानी करता है, क्योंकि उस पर टीचर का ध्यान नहीं जाता। तो जो पास में आते हैं तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्डेज बढ़ जाता है, और जो दूर होते हैं उनके बीच में बॉन्डेज घट जाता है। तो सेम प्रोसेस है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस घट जाए, कम हो जाए, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अगर बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? अब इस न्यूटन्स लॉ को स्टेटमेंट के थ्रू कैसे लिखेंगे, मैं दिखा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यह एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है। फोर्स दो टाइप से होते हैं, एक रिपल्सन होता है, रिपल्सन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगाते हैं, और अट्रैक्शन में दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो ये अट्रैक्शन फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट है, अगर एग्जाम में आ रहा है तो इस तरह से आप इस स्टेटमेंट लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। फोर्स दो टाइप के होते हैं, रिपल्सन और अट्रैक्शन। रिपल्सन में दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में लगते हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे से दूर हटते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर हटते हैं, और अट्रैक्शन फोर्स में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास में आते हैं। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट अट्रैक्शन फोर्स होता है, दोनों एक दूसरे को चिपक जाते हैं, तो यह अट्रैक्शन फोर्स है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज, दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेज बिटवीन देम, दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मिटा दें इसको, अब इसकी जरूरत नहीं, मिटा दे रहे इसको। If the two objects of masses M1 and M2
M2 are kept at a distance of small r. मान लो ये ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है M1 और M2, दो ऑब्जेक्ट है M1 और M2, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, दो ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है, एक ऑब्जेक्ट में काम नहीं करता है, यह याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ नंबर वन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इनटू M2, M1 और M2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब है कि M1 की वैल्यू बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ जाएगा, M2 की वैल्यू बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ जाएगा, और M1 M2 दोनों बढ़ेगा तो भी फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब हर हाल में बढ़ेगा, M1 की वैल्यू M2 की वैल्यू या दोनों की वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स हर हाल में बढ़ेगा, घटेगा M1 M2 तो फोर्स भी घटेगा। सेकंड है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डिस्टेंस घट जाएगा तो फोर्स बढ़ेगा, उल्टा होता है इसमें, अपोजिट, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, अगर डिस्टेंस डबल हो जाए, अगर डिस्टेंस डबल हो जाए मतलब डबल बढ़ जाए, डिस्टेंस अगर डबल बढ़ जाए तो फोर्स आधा रह जाएगा, वन अपॉन फोर्स रह जाएगा, अगर डिस्टेंस को डबल बढ़ा दिया जाए, दूना बढ़ा दिया जाए तो फोर्स जो है पहले का चौथाई रह जाएगा, मतलब है कि अगर पहले में 4 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा था और डिस्टेंस अगर हम डबल बढ़ा दें मतलब दुगुना दूरी बढ़ा दें तो फोर्स जो है 4 न्यूटन से 1 न्यूटन रह जाएगा, मतलब फोर्स जो है 4 न्यूटन से घट करके 1 न्यूटन हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को हम डबल कर दें, बढ़ा दें, दुगुना दूरी पर कर दें तो फोर्स वन चौथाई रह जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, मिटा दें इसको, कंबाइनिंग वन एंड F is directly proportional to M1 into M2. First M1 into M2 है और second है 1 upon R square, इसके लिए हम इसको लिख रहे हैं R square upon R square. अब अगर हम ये proportionality को हटाएं तो ये constant आ जाएगा, तो यह constant F equal to G M1 into M2 upon R square. ये है न्यूटन का न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, यही न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ। अब इसमें जी क्या है, कैपिटल जी, तो कैपिटल जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस जी कैपिटल जी की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये कैपिटल जी की वैल्यू होता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कैपिटल जी की वैल्यू कहीं भी जाइए, अर्थ के किसी भी जगह जाइए या इस प्लैनेट में या इस ब्रह्मांड में कहीं भी जाइए, किसी भी प्लैनेट पर जाइए, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है,
इसकी वैल्यू हमेशा इतने ही रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू विल नेवर चेंज, इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होता है, कहीं नहीं चेंज होता है, कभी नहीं चेंज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है? ये कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये वैल्यू, और स्मॉल जी के बारे में बताते हैं, क्या है स्मॉल जी? ये स्मॉल जी है, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी की वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी एक तरह का एक्सीलरेशन है, जैसे आप बाइक अपना चलाते हो तो बाइक में एक्सीलेटर होता है, एक्सीलरेटर क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है। तो जब आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो एक्सीलरेटर को ट्विस्ट करते हो, घुमाते हो, तो एक स्पीड बढ़ता है, आप तेज चलते हो। तो ये जो आप एक्सीलरेटर में स्पीड बढ़ा रहे हो, ये आप बढ़ा रहे हो स्पीड, तो ये जो एक्सीलरेशन है आप जो बढ़ा रहे हो स्पीड, उसको सिंपली एक्सीलरेशन बोलते हैं। लेकिन अब यहां देखो, एक ये एक ऑब्जेक्ट है, अब हम इसको यहां पर नीचे से सरफेस लाकर यहां तक किया, यहां तक लाया, अब हम इसको, अब यहां पर ये क्या है, चल नहीं रहा, मोशन में नहीं, देर इज नो मोशन, कोई मोशन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको छोड़ दें, ड्रॉप करें, तो ये नीचे गिर जाएगा। तो यहां पर स्पीड इसकी जीरो है, और जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ता जा रहा है, मतलब इसमें भी एक्सीलरेशन हो रहा है। तो ये इसका स्पीड कौन बढ़ा रहा है? बाइक की स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड कौन बढ़ा रहा है? भगवान नहीं, अर्थ इसको खींच रही फोर्स लगाकर, तो अर्थ इसको खींच रही फोर्स लगाकर तब इसकी स्पीड बढ़ता जा रहा है। जिस समय ये टच करेगा अर्थ को, इस समय इसकी स्पीड मैक्सिमम होता है, जिस समय अर्थ को टच करेगा मैक्सिमम होगा, तो इसकी स्पीड बढ़ता जा रहा है लगातार। तो इसकी स्पीड कौन बढ़ा रहा है? तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इसकी स्पीड बढ़ा रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इसकी स्पीड बढ़ रहा है, तो यह एक्सीलरेशन है, स्पीड बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन है, लेकिन यह एक्सीलरेशन किसकी वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यह होता है 9.8। और यह जी स्मॉल जी की वैल्यू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इस अर्थ के प्लेस पर चेंज होता रहता है। अगर आप अर्थ के नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर जाओगे तो इस स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर आप इक्वेटर पर जाओगे तो स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर आप अर्थ में सुरंग बना करके अर्थ के सेंटर में जाओगे तो इस जी की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और अगर आप अर्थ से ऊपर स्पेस में जाओगे तो इस जी की वैल्यू पूरी तरह से जीरो हो जाएगी, तब होता है वेटलेसनेस, मतलब कोई वेट नहीं होगा, कोई भी ग्रेविटी नहीं काम करता है, स्पेस में जाने पर कोई ग्रेविटी नहीं काम करता है। और अगर मून पर जाओगे तो मून पर जाने पर इस जी की वैल्यू 1/6 रह जाएगा, मतलब ये है कि अगर आपका वेट 60 kg है, अगर आपका वेट 60 kg है, आप मून पर जाओगे तो आपका वेट केवल 10 kg रह जाएगा, मतलब है कि 1/6, आप 60 kg के हैं, मून पर जाओगे तो आपका वेट केवल 10 kg रह जाएगा, मतलब 1/6 रह जाएगा। तो यह जी की वैल्यू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, यह इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है, मास पर भी डिपेंड करता है। अब देखो, ये छोटा ऑब्जेक्ट है, अगर ये गिरेगा तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम काम करेगा, और एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा गिराओगे
तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? W इक्वल टू mg, वेट W इक्वल टू m इंटू जी। m है मास। तो आपका वेट क्या है? अर्थ जितनी फोर्स से खींचती है वही आपका वेट है। वेट क्या है? वेट एक तरह का फोर्स है। यह फोर्स कैसा है? अर्थ लगाती है। अर्थ कैसा फोर्स लगाती है? खींचती है। अगर आप ऊपर उछलोगे तो अर्थ आपको खींचेगी। जिस फोर्स से आपको खींचेगी वही आपका वेट है। वेट कुछ नहीं है, वेट एक तरह का फोर्स है, अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स। अर्थ जितने फोर्स से खींचती है यही आपका वेट है। तो यह वेट W इक्वल टू mg होता है। अब यह डिपेंड्स ऑन मास। अगर मान लो कोई 1 kg, m की वैल्यू अगर 1 kg है तो वेट कितना हो जाएगा? W इक्वल टू 1 × 9.8, तो आ जाएगा 9.8। और ये न्यूटन होता है, यह वेट का यूनिट न्यूटन होता है। और अगर मान लो m इक्वल टू 10 kg है तब वेट कितना हो जाएगा? 10 × 9.8, जी मतलब 9.8, तो आ जाएगा 98 न्यूटन। तो जिसका मास 1 kg है उसका वेट 10 kg होगा। मतलब है कि अर्थ उसको 10 kg के फोर्स से नीचे खींचेगी। और जिसका मास 10 kg है उसको अर्थ 98 न्यूटन के फोर्स से नीचे खींचेगी। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 98 मतलब लगभग 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल का, तो जो जितना मास होता है अर्थ उतने ही फोर्स से उसको नीचे खींचती है। तो अब मास क्या है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल कंटेंड इन इट। मास क्या है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल कंटेंड इन इट। मटेरियल में जितना क्वांटिटी होता है वही उसका मास है। अगर आप कोई 1 kg का सामान अर्थ पर है उसको आप मून पर ले जाकर तोलोगे तो भी 1 kg ही होगा। तो मास जो है उसका वजन नहीं है, मास वेट नहीं है, मास जो है वो उसकी मटेरियल की क्वांटिटी है। जो यहाँ पर है 1 kg, कोई 1 kg का सामान है, यहाँ तोलो, मून पर तोलो, कहीं भी तोलो, 1 kg ही आएगा। लेकिन उसका वेट, 1 kg का वेट अर्थ पर ये होगा 9.8 होगा। अर्थ पर 1 kg का वेट 9.8 होगा। लेकिन वही अगर हम ले जाते हैं इसको मून पर तब इसका वेट हो जाएगा 9.8/6, मतलब 6 times कम हो जाएगा। तो ये वेट है, वेट चेंज होता रहता है लेकिन मास नहीं चेंज होता है। मास और वेट में डिफरेंस, मास जो है क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल है और वेट जो है फोर्स है जो अर्थ खींचती है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं फ्री फॉल है क्या। फ्री फॉल मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट, इसको हम फेंक रहे हैं ऐसे, यहां से फेंक रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ देर ऊपर रहेगा, फिर कुछ देर ऊपर रहने के बाद ये फिर अर्थ पर वापस आएगा। ये फेंकने के बाद अर्थ पर तो वापस आएगा ही आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक हवा में रहा, क्योंकि ये फेंके हैं तो हवा में रहेगा। तो ये हवा में रहा तो इसका मतलब क्या है?
या किसी के इफेक्ट में हवा में रहा। ये ऑब्जेक्ट को हमने फेंका ऊपर, तो ये ऊपर गया और ऊपर से इसका रास्ता इस तरह से हो जाता है, थोड़ा घूमते घूमते ऐसे आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर में रहा, ग्रेविटी के इफेक्ट में रहा, ग्रेविटी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऊपर जाने के बाद में ग्रेविटी इस पर हावी हो जा रहा है और इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, और जहां तक ये रहेगा ये हवा में तहां तक उसका ग्रेविटी पीछा करेगा, और जैसे ही ये अर्थ के सरफेस पर आएगा ग्रेविटी खत्म हो गया। तो यहां से यहां तक हवा में रहा मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट में रहा, तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल। मतलब है कि यहां से यहां तक ग्रेविटी काम किया, यहां से लेकर के यहां तक ग्रेविटी काम किया, तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल। समझ में आ गया फ्री फॉल क्या होता है? जितने देर तक हवा में रहा उतने देर तक ग्रेविटी के इफेक्ट में रहा, तो जितने देर तक ग्रेविटी के इफेक्ट में रहा उसको कहते हैं फ्री फॉल। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या? ये दिस इज अ बैलेंस्ड पॉइंट, दिस इज अ बैलेंस्ड पॉइंट और एवरेज पॉइंट। इट इज पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट। कैसा पॉइंट? बैलेंस्ड पॉइंट, बैलेंस्ड पॉइंट। आप इसको कह सकते हो एवरेज पॉइंट। बैलेंस्ड पॉइंट या एवरेज पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बोलते हैं बैलेंस्ड पॉइंट, एवरेज पॉइंट। अब बैलेंस्ड पॉइंट या एवरेज पॉइंट को हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पॉइंट पर पूरे मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस पॉइंट पर पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब मान लो कि यह एक ऑब्जेक्ट है, टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट है, इस तरह से ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है। अब इसका ग्रेविटी कहाँ काम करेगा? यहाँ काम करेगा, यहाँ यहाँ। तो ऐसा पॉइंट जहां पर इसका पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसे ही कहते हैं ग्रेविटेशनल पॉइंट। ग्रेविटेशनल पॉइंट मतलब है कि हम इसको ऐसे बैलेंस करें, ये बुक है, ये बुक है, अब हम इसको बैलेंस करना चाहें तो ये देखो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, क्योंकि इसका ग्रेविटी पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं मिल पा रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? वह पॉइंट होता है जहां पर इस पूरे मास को बैलेंस करता है, नहीं बैलेंस हो रहा है, ऐसे कह रहे हैं बैलेंस नहीं हो रहा है। तो ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर ये पूरा, मान लो ये पॉइंट है, मान लो हमने ये पॉइंट पा गया और इस पर बैलेंस हो गया, ये नहीं गिर रहा है, तो यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी पॉइंट पर इस पूरे बुक का मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो यही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ गया? अब कुछ टॉपिक देख लेते हैं। हाँ, एक टॉपिक और है, एक्सीलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? लेट अस सपोज यह मान लो अर्थ है, यह अर्थ है, इसका सेंटर है, इसका मास m है। m क्या है? मास ऑफ अर्थ, m जो है मास ऑफ अर्थ है। ये r क्या है? यहां से यहां तक रेडियस है, r जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर स्मॉल m, यह अर्थ है। अर्थ के सरफेस पर तो हर ऑब्जेक्ट होता है, इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं सब अर्थ के सरफेस पर ही होती, अर्थ के सरफेस से कोई बाहर जा ही नहीं सकता।
तो अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम मास है। अर्थ का मास है बहुत ज्यादा होता है मास, इसका मास कितना होता है, अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास ये होता है 6 × 10²⁴ kg। और अर्थ का रेडियस क्या होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 × 10⁶ m। ये अर्थ का रेडियस है, अर्थ का मास है। अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल एम, तो ये स्मॉल एम का मास बाहर नहीं जा सकता क्योंकि अर्थ इसको खींच रही है अपनी तरफ। तो इस पर फोर्स काम कर रही है, कौन सा फोर्स काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। तो फोर्स एम इक्वल एफ इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ जी, ये फार्मूला होता है एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। तो अब यहां हम क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू जी एम वन की जगह पर एम लिखेंगे और इंटू एम टू की जगह पर स्मॉल एम लिखेंगे, ठीक है, अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इसके जगह पर क्या लिखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। अब अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है, मतलब अर्थ इसको खींच रही है, तो ये जितने फोर्स से अर्थ इसको खींचती है यही उसका वेट है। तो इसका वेट क्या हो गया, एमजी, क्योंकि अर्थ इसको खींच रही है तो यही फोर्स जो है एमजी हो गया। तो एफ की जगह पर लिखेंगे एमजी इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, G इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब G की वैल्यू, स्मॉल G की वैल्यू फाइंड करना है आपको, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि स्मॉल G की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। तो इसी फार्मूला, पहले फार्मूला डिराइव करेंगे और वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख रहे हैं जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻¹⁰ इंटू एम कैपिटल एम, और मास ऑफ अर्थ क्या होता है, ये 6 × 10⁴ आर की वैल्यू 6.4 × 10⁶ और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा लगभग 90.8 m², यही वैल्यू आएगा, आप इसको याद कर लीजिए। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 लेते हैं, तो अगर अर्थ में ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसकी स्पीड होता है, यहाँ पर ऐसे गिर रहा है तो स्पीड जीरो है, इनिशियल स्पीड यू जीरो है, नीचे की तरफ जब अर्थ को टच करेगा इसका स्पीड वी स्मॉल वी मैक्सिमम होगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, वी स्क्वायर इक्वल टू यू जीरो है प्लस टू जी एच, तो वी की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट टू जी एच, वी स्क्वायर है तो वी निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, मिटा दे इसको। तो सभी टॉपिक्स खत्म हो गए, अब मैं आगे बढ़ता हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराने के लिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन
डज नॉट डिपेंड, मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज, दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज मतलब दोनों के मास के प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस पर भी डिपेंड करता है, और सम ऑफ देयर मासेज पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन पर टिक लगा लीजिए, यही ऑप्शन सही है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज 9.8, तो 9.8 ए में दिया हुआ है, सेकंड का ए पट्टी कर लीजिए। नंबर फोर, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज आर मासेज M1 M2 प्लेस एट डिस्टेंस आर इक्वल टू ए स्मॉल ए कैपिटल एफ इक्वल टू जी M1 M2 अपन आर स्क्वायर, ए ऑप्शन सही है। नंबर फाइव, ए बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स अपोजिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ए बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा, तो ए का जीरो। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑन अर्थ द वेट ऑफ ए बॉडी हैविंग 10 किलोग्राम मास विल बी, अगर अर्थ के सरफेस पर 10 किलोग्राम का मास है तो उसका वेट क्या होगा, 10 × g 10 × 9.8, तो 98 हो जाएगा, 98 न्यूटन लिखो, 98 न्यूटन। नंबर टू, ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट एट हाइट h विल हैव द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। नंबर थ्री हो जाएगा, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो ये वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आप ऐसे लिखेंगे, केवल ये लिखोगे तो नई नंबर मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर विद यूनिट, आपको यूनिट के साथ में लिखना होगा। नंबर फोर, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इन एसआई यूनिट, वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू इसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्मॉल जी की वैल्यू है, ये कैपिटल जी की वैल्यू है, कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, स्मॉल जी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। नंबर फाइव, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट दे विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ एट सेम टाइम, अगर दो ऑब्जेक्ट को सेम मास का सेम वजन का दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को एक साथ छोड़ते हैं तो दोनों एक साथ अर्थ के सरफेस पर जाएंगे। नंबर थ्री आते हैं, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस, मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻², डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द अर्थ सरफेस इज 6400 किलोमीटर। तो अभी मैंने आपको सॉल्व कराया था, जी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी सॉल्व कराया था, जी की वैल्यू ऐसे निकाले थे हमने, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹¹ इंटू एम की वैल्यू है 6 × 10⁻², अपॉन आर की वैल्यू है 6400 × 10³ होल स्क्वायर। 10³ में मतलब क्यों, 6400 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में, तो 1000 मीटर, 1000 को लिखते हैं 10³। और जो ऑब्जेक्ट है वो 1 kg का है, तो यहां पर g की वैल्यू आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स लगा दीजिए, w इक्वल टू mg, m मतलब 1, g मतलब 9.8, तो आ जाएगा 9.8
न्यूटन, फोर्स हो जाएगा न्यूटन, वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं। नंबर फोर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स क्या होगा अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में, फोर्स क्या होगा अगर मास, तो मास को डबल करेंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, वन का आंसर डबल होगा। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपल, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस को ट्रिपल कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन नाइन हो जाएगा, पहले का वन अपॉन नाइन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डबल, सेकंड का आंसर हो जाएगा वन अपॉन नाइन, थर्ड का मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इज डबल, दोनों के मास को डबल किया जा रहा है तो ये हो जाएगा फोर टाइम, फोर्स हो जाएगा फोर टाइम। पहला का आंसर देखो डबल, सेकंड का आंसर वन अपॉन नाइन, थर्ड का आंसर फोर टाइम, फोर टाइम, टी आई एम ई एस।